तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की पांच बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर है क्रूड को लेकर, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार समेत घरेलू बाजार में क्रूड के दाम करीब करीब 1% तक गिर चुके हैं और अब MCX पर कच्चा तेल 3950 के भी नीचे आ चुका है। आज आपको 11:30 बजे ही हमारे एक्सपर्ट ने बताया था कि क्रूड की कीमतों में गिरावट बढ़ सकती है, उसी लाइन पर मार्केट ट्रेड कर रहा है और अब MCX पर कच्चा तेल करीब करीब 1.5% लुढ़क चुका है, तेज गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। फंडामेंटल कमजोर हैं, डिमांड घटने की बात की जा रही है। API की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक घटा है, जबकि बाजार का अनुमान स्टॉक 12 लाख बैरल बढ़ने का था और उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है और स्टॉक में करीब करीब 73 लाख बैरल की बढ़ोतरी हुई है लास्ट वीक, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है मार्केट के ऊपर। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। सोने चांदी की कीमतों में तेजी है और MCX पर सोना 52 रुपये ऊपर है, 32,135 के करीब। हालांकि जो शुरुआती दौर में हमने बढ़त देखी थी, मार्केट उसके बाद बहुत एक्शन के मूड में आ नहीं पाया, उसी के आसपास मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है और थोड़ी बहुत मजबूती के साथ इस वक्त गोल्ड और सिल्वर का मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं मेटल की। बेस मेटल्स में तेज़ी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है और निकल का भाव 6 महीने के ऊपरी स्तर से लुढ़का है, 960 तक निकल का भाव फिसला है, करीब करीब 34% की कमजोरी है। जिंक और लेड के दाम भी कम हुए हैं तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग इसे आप मान सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में लगातार दूसरे दिन तेज़ी है, वायदा में भाव 3,300 रुपये के ऊपर है, हाजिर में भाव 3,800 रुपये के करीब है। US चीन में ट्रेड वार थमने की खबर का इम्पैक्ट हमने सोयाबीन की कीमतों पर देखा है तो जिससे दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं चने की। जो नए चने की आवक शुरू हुई है मंडियों में, नए चने का भाव MSP के मुकाबले करीब 900 रुपये नीचे है, 3,700 से 3,800 रुपये प्रति क्विंटल का भाव है चने का मंडियों में, जबकि MSP 4,620 रुपये की है। लेकिन अब चूँकि सरकार की खरीद शुरू होने वाली है तो उम्मीद की जा रही है कि जब गवर्नमेंट की खरीद शुरू होगी तब यहाँ से कीमतों को कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। तो ये पांच महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त की और अब बात होगी पांच ट्रेडिंग कॉल्स की, जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे और ये बताने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं एंजल कमोडिटी के। अनुज जी स्वागत है आपका, आपकी पहली कॉल क्या होगी? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं, काफ़ी लोअर लेवल्स पर, और हम देखें तो मार्केट अब सपोर्ट पर आ गई है, तो करीबन 38,450 के अराउंड बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 38,050 का रहेगा, टारगेट 38,900 तक देखने को मिल सकता है। 38,900 का आप टारगेट यहाँ पर सिल्वर में दे रहे हैं, बाइंग की कॉल है और 38,050 का स्टॉप लॉस आप लगाएं। मार्केट अभी है 38,484 के आसपास, तो ये आपके लिए पहली कॉल हो गई। आपकी दूसरी कॉल अनुज जी? देखिए दूसरी कॉल निकिल में रहेगी, निकिल में ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है, हमें लगता है कि निकिल 955 के अराउंड आए तो बाय कर सकते हैं, करंट अभी 960 चल रहा है, मीन 4 से 5 रुपये की गिरावट मिलते तो बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 938 का रहेगा, टारगेट करीबन 980 तक हो सकता है। ये टारगेट जो 980 का आपने दिया है ये कब तक के लिए है अनुज जी? देखिए मुझे तो 2 दिन के अंदर ये टारगेट देखना चाहिए, 970 980 980, दो दिन के अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, तो 980 का टारगेट आप दे रहे हैं निकल पे, 938 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग की राय दी गई है। फिलहाल भाव है 961 रुपये का और आपने कहा है कि 4 से 5 रुपये नीचे आए तब बाइंग करें। जी तो बिल्कुल ताज़ा भाव पर आपके लिए बाइंग की राय नहीं है, ये आप साफ तौर पर समझ लें। 4 से 5 रुपये दाम गिरेंगे तभी आप फ्रेश बाइंग निकल में कर सकते हैं। 980 का टारगेट होगा, 938 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई निकल की, अब तीसरी कॉल बताएं अनुज जी। देखिए तीसरी कॉल नेचुरल गैस में है, हमने कल भी थोड़ा कंसोलिडेशन देखा था और आज भी देखा कि भाव हायर लेवल से नीचे आए हैं, तो नेचुरल गैस 204-205 मीन्स करंट रेट के अराउंड भी बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 209 का रहेगा, टारगेट 198 तक हो सकता है। 198 तो 198 के टारगेट के लिए क्या अभी बेचना भी ठीक रहेगा? देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि करंट रेट भी ठीक है, मींस जो रेंज है ये करंट रेट पे, तो यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं, 198 लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 198 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक बात। चलिए आप चौथी कॉल बताइए। चौथी कॉल चने में है, हमने देखा है कि लोअर लेवल से बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया है,
टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड में है, तो चने के अंदर भी हमें लगता है कि बाय करके चल सकते हैं, जिनका सेल है वो निकल जाए और यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 4060 का रहेगा, टारगेट 4220 तक हो सकता है। ये कॉल भी मेरा दो दिन के लिए रहेगा, तो 4220 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 4220, ओके ठीक है। तो ये बात हो गई चने की, 4136 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पांचवी कॉल टर्मरिक में है, हमने पिछले 3-4 दिनों में एक अच्छा रिवर्सल देखा है और सबसे बड़ी बात इसमें अगर वॉल्यूम्स देखें तो वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, तो टेक्निकल पैरामीटर्स पे मुझे लगता है कि टर्मरिक के अंदर बाय कर सकते हैं, करंट रेट से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 6260 का रहेगा, टारगेट 6550, ये भी 1 से 2 दिन के टारगेट के लिए बाय इनिशिएट की जा सकती है। ओके, तो ये राय आपके लिए टर्मरिक पर, अच्छी तेजी के संकेत इसमें मिल रहा है। तो ये पाँच कॉल आपके लिए जहाँ पर आप ट्रेड अभी कर सकते हैं। और अब ब्रेक के बाद आपके सवाल होंगे, अनुज गुप्ता जी के जवाब होंगे। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, कुछ नया जानना चाहते हैं कमोडिटी को लेकर, तो आप सवाल पूछिए और जानिए अनुज गुप्ता से कि आप कहां पर ट्रेड कर सकते हैं। 0222300-1634 और 0222300-1635, इन दोनों नंबर पर आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है जूनागढ़ से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं लालू, पूछिए। धनिया में क्या लगता है सर? कोरिएंडर का आउटलुक आप जानना चाहते हैं, ठीक है बताइए अनुज जी, क्योंकि उत्पादन का अनुमान जो जताया गया है उसमें कहा गया है कि कोरिएंडर का उत्पादन इस साल काफी कम होने वाला है, तो क्या तेजी की उम्मीद आप देख रहे हैं? देखिए अभी जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 6200 के अराउंड है और इसमें एक आज तेजी भी देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक एक्सपेक्टेड है कि भाव ऊपर आ सकते हैं, तो अगर ये बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही 6350-6400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो करंट रेट से 100 से 150 रुपये की तेजी हमें लगता है कि यहाँ देखने को मिल सकती है, तो हमें लगता है कि बाय करके ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है तुषार का, यूपी से, पूछिए तुषार। जी सर, हमको सिल्वर में पोजीशन बनानी है। जी। चांदी में आप ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है अनुज जी, क्या फ्रेश बाइंग के लिए ये लेवल ठीक है चांदी में, 38476 का? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि चांदी के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 38050 का रहेगा, टारगेट 38800-38900 तक हो सकता है, तो मुझे लगता है कि करंट रेट से बाय इनिशिएट की जा सकती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि करंट रेट पर भी आप चांदी में बाइंग कर सकते हैं, ये राय आपको चांदी पर दी जा रही है अनुज गुप्ता जी की तरफ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर को देखते हैं जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बढ़ सकते हैं। क्रूड को लेकर के आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नज़रिया क्या है अनुज जी? देखिए क्रूड अगर हम देखें तो अगर हम लेवल वाइज देखें तो 58 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया है, तो हमें लगता नहीं है कि भाव अब उसके ऊपर जाएंगे, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें लगता है कि चने में क्रूड में देखने को मिल सकती है, तो ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर डाइवर्ट हुआ है नेगेटिव साइड में। एक्सपेक्टेड है कि $54 से लेकर $53 तक के लेवल मिल सकते हैं, मीन्स अगर हम MCX की बात करें तो 3850 से लेकर 3820 तक के लेवल मिल सकते हैं, तो बाइंग हमें लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच करें। ट्रेड अगर करना है तो बिकवाली करके ट्रेड कर सकते हैं, और सेलिंग के लिए जो स्टॉप लॉस है करीबन 4030 का रहेगा, नीचे टारगेट 3880-3850 तक हो सकता है, तो बाइंग अभी हमें लगता है कि नहीं करना चाहिए, सेलिंग का ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, तो कह रहे कि बाइंग अवॉइड करें, बिकवाली की कॉल दी जा रही है, 3850 तक भी आपको भाव देखने को मिल सकता है। अगला सवाल नितेश का है अहमदाबाद से, पूछिए नितेश। कैस्टर में क्या करें मुकेश भाई? कैस्टर में ओके, मेरी एक बात थी, कैस्टर का हम 3.5 TV देखते हैं, हाँ, तो कैस्टर का कुछ नहीं आता है, कैस्टर का भी दिन में कहीं कहीं बताया करो। नहीं नहीं, आप बता रहे हैं कैस्टर, आप देखिए सुनिए, और कैस्टर में जहाँ तक उत्पादन की बात है तो कैस्टर के उत्पादन में कमी की बात की जा रही है, तेज़ गिरावट की बात की जा रही है, और अभी अभी जो एक सी का कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो आंकड़े यहाँ पर जारी किए गए हैं कैस्टर के उत्पादन को लेकर, उसमें भी ये कहा गया है कि कैस्टर का उत्पादन कम होगा, लेकिन उसके बाद भी दाम नहीं बढ़ रहे हैं अनुज गुप्ता जी, क्या वजह है इसकी? देखिए जो हम अगर इसका अगर हम पिछले 2 महीने से इसके प्राइस को देखें तो इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है 5000 के आसपास का, और हमने देखा कि 5000 के आसपास जब भी आता है तो वहाँ से तेज़ रिकवरी होती है। अभी हमने देखा था कि 5400 तक भाव आए थे ऊपर, तो वहाँ से भाव अगेन नीचे आए हैं, तो मुझे लगता है कि अगेन ये जो लेवल्स आए हैं ये बाइंग के लिए अट्रैक्टिव हैं, तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो बाय करके ट्रेड ले सकते हैं, अगेन हमें लगता है कि 5300-5400 तक के लेवल दोबारा देखने को मिलेंगे। ठीक है,
गोपाल हैं हमारे साथ यूपी से, पूछिए गोपाल जी। एल्युमिनियम में बता दीजिए मुझे, एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए, एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं, ठीक है। क्या व्यू है आपका एल्युमिनियम के ऊपर अनुज जी? देखिए एल्युमिनियम जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 145 के अराउंड चल रहा है, मुझे लगता है कि एल्युमिनियम के अंदर अगर भाव ऊपर 145-50-140 के आसपास मिलते हैं तो आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 148 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 142 तक हो सकता है, तो थोड़ा सेलिंग हमें लगता है कि बेस मेटल में यहाँ देखने को मिल सकता है। बट अगर इनको बाय करने का विचार है तो अभी वेट करें, भाव अगर 41-42 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ से बाय कर सकते हैं, करंट रेट से बाय अभी एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है तरुण का ओडिशा से, पूछिए तरुण। सर ये पूछना चाह रहा था कि कॉपर में और लेड में आज के बारे में क्या व्यू है, ट्रेंड नेगेटिव है, सुबह भी आपने कहा गया कि नेगेटिव होगा, तो अभी आपको देख के क्या लग रहा है कि नेगेटिव में जाना चाहिए कॉपर और लेड जी? अनुज जी क्या ट्रेंड अभी देख रहे हैं आप, अभी बिल्कुल ताजा भाव को देखते हुए कॉपर और लेड में? देखिए दोनों ही काउंटर में अगर देखें तो बाइंग तो एडवाइजेबल नहीं है, अगर ट्रेड लिया जाए तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। कॉपर की अगर बात करें तो 460 के अराउंड मिले तो सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 464 का रहेगा, टारगेट 454 तक आ सकता है, और लेड में 148-50 के अराउंड बिकवाली करके चलें, स्टॉप लॉस करीबन 150 का रहेगा, टारगेट नीचे 145 तक हो सकता है। तो दोनों ही काउंटर मीन्स अगर हम ओवरऑल बेस मेटल को देखें तो हमें लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके तो आप कह रहे कि दोनों मेटल में अभी बिकवाली की संभावना बन रही है, इस पर आप नज़र बनाकर चलें। ग्वार के ऊपर क्या व्यू है आपका अनुज जी? देखिए ग्वार में अगर देखें तो यहाँ पर भी लोअर लेवल से बाइंग एक्टिविट होती हुई दिखाई दी है, तो ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों ही हमें लगता है कि अगर डिप मिलता है, मीन्स अब करंट रेट ग्वार का भी 4152 है, 4120-4130 के आसपास मिलते हैं तो बाय करके चलना चाहिए, ऊपर हमको अगेन 4200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव साइड में ग्वार में रहेगा, तो थोड़ा डिप मिलता है तो बाय करके ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। राहुल हैं हमारे साथ, पूछिए राहुल। सर जी हमारे को पूछना है कि ये कॉटन है, कॉटन में कहाँ से बाय करें और कॉटन सीड के ऊपर कहाँ तक जा सकता है? कॉटन और कॉटन केक के बारे में आप जानना चाहते हैं, बताइए अनुज जी। देखिए तीनों ही काउंटर में हमने रिवर्सल देखा है, हमें लगता है कि कॉटन और कॉटन ऑयल के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। कॉटन अगर हम देखें जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 20,950 के अराउंड चल रहा है, तो 20,800-850 के अराउंड बाय कर सकते हैं, जल्दी हमें लगता है कि 21,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और कॉटन सीड ऑयल के हमें लगता है कि अगेन 2020 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो हमें लगता है कि इस काउंटर के अंदर बाय इनिशिएट की जा सकती है, ठीक है। अगला सवाल है राहुल सिंह का, यूपी से हैं, पूछिए राहुल जी। नमस्कार सर, सर मैं जानना चाहता जिंक के बारे में, 198 पे सेल किया हुआ है। 198 पे आपने जिंक बेचा है, अभी जिंक का जरा प्राइस दिखाइए एक बार कि क्या रेट चल रहा है जिंक का, पहले ये देख लें। जिंक का प्राइस है 198 के नीचे, आपने शॉर्ट किया है? जी सर। ओके ठीक ट्रेड है आपका, अभी तो भाव नीचे ही है, क्या और गिरेगा यहाँ से अनुज जी जिंक? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि 197 के अराउंड इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ से भाव अभी और नीचे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता जी आपका ये बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहाँ पर ट्रेड करना बेहतर रहेगा।